Good evening and welcome to the fifth day of the class. I'm sure brain सबके पास होता है. It is assumed that we have brains. बहुत बार बोलते हैं ना, parents भी बोलते हैं दिमाग नहीं है क्या, school में teacher बोलती है दिमाग नहीं है क्या, सभी लोग बोलते हैं, boss बोलता है office में दिमाग घास चलने गया था क्या. But then we all have एक नहीं दो नहीं तीन ब्रेन होते हैं हर इंसान के दिमाग में, और हम लोग एक को भी ठीक से नहीं चला पाते हैं. But we have three brains in our system. एक वो ब्रेन होता है जिसको रेप्टिलियन ब्रेन कहा जाता है, जो आप पैदा होने से पहले से आपके साथ होता है. Which सर control? कौन सा रेप्टिलियन ब्रेन? आई एम कमिंग टू इट. मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ. रेप्टिलियन ब्रेन, ये वो ब्रेन है जो आप जब सोते हो तभी भी आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखता है, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म चालू रहता है, आपका हार्ट का फंक्शनिंग चालू रहता है. ऑल दोज एक्टिविटीज आर कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय रेप्टिलियन ब्रेन. ये आप चाहो ना चाहो ये कंटिन्यू ऑन रहता है. एंड एज पर मेडिकल साइंस, व्हेनेवर दिस ब्रेन इज डेड, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन, आर यू से दिस ब्रेन, देन द पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज डेड, जिसको हम लोग ब्रेन डेड कहते हैं. आपका रेप्टिलियन ब्रेन डेड हो गया मतलब आपके बाकी सारे बॉडी के फंक्शंस अपने आप बंद होने शुरू हो जाते हैं, एंड देन इट इज एज गुड एज अ डेड पर्सन. फिर उसका हार्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, हार्ट अपने आप बंद हो जाता है उस केस में, बिकॉज रेप्टिलियन ब्रेन कंप्लीटली कंट्रोल्स योर एंटायर बॉडी साइकिल. उसके बाद आता है लिम्बिक ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम, विच कंट्रोल्स योर इमोशंस, एंड आपके इमोशंस के हिसाब से बॉडी में केमिकल्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं. जैसे आप जब बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो यू फील एक्टिव, जब आप बहुत ज़्यादा दुखी सैड फियर में होते हो तो यू फील लाइक स्लैड होते हो तो स्लगिश फील होता है, जब आप फियर में होते हो तो आपके एड्रेनालिन ग्लैंड जो ट्रिगर हो जाते हैं, विच वी हैड डिस्कस्ड ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे. जैसे ही आपका आपके सामने टाइगर आ जाता है, सांप आ जाता है, तो आपका लिम्बिक ब्रेन एक्टिवेट होके एमिग्डाला सेंसर्स होते हैं, एमिग्डाला से सीधा सिग्नल एड्रेनालिन ग्लैंड को जाता है. तो दिस इज लिम्बिक ब्रेन विच कंटिन्यूसली मॉनिटर्स योर इमोशंस, आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड दैट डिफाइन्स योर स्टेट ऑफ माइंड, दैट डिफाइन्स योर स्टेट ऑफ फिजियोलॉजी. Because if you are continuously under a negative atmosphere, or if you are thinking continuously negative, तो आपका limbic brain active रहता है in the negative form, and then it directly affects your body. And the third comes is the cerebral cortex, जो कि आपके सोचने की क्षमता define करता है. Cerebral cortex defines that how you are thinking. इसमें भी दो हिस्से होते हैं, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स आता है, ये हिंड कॉर्टेक्स आता है. फ्रंटल कॉर्टेक्स जो आता है ये आपकी सोच बताता है, एंड हिंड कॉर्टेक्स जो होता है पीछे की तरफ में, दिस डिफाइन्स योर बॉडी मूवमेंट. जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसका फ्रंटल कॉर्टेक्स में से खून का सप्लाई पूरा निकल जाता है, एंड इट इज गोइंग टू द हिंड ब्रेन. आप देखोगे गुस्सा जिस इंसान को आता है वो चीजें फेंकना शुरू करता है बहुत बार, बिकॉज उसकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है या जीरो हो जाती है. क्रिमिनल्स व्हेन दे कमिट अ क्राइम, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट उस वक्त उनका फ्रंटल कॉर्टेक्स कंप्लीट बाईपास हो जाता है, एंड द कंप्लीट ब्लड सप्लाई इज शंटेड टू द हिंड ब्रेन, पीछे की तरफ आता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं. आपके घर पे जब आपके बच्चे भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं तो इट
एंड जब वो एग्रेसिव होते हैं तब आप देखोगे कि वो कुछ सोच नहीं पाते, सीधा चीजें उठा पटक देते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी हो जाता है. दैट हैपेंस व्हेन द फ्रंटल कॉर्टेक्स इज बाईपास्ड. एंड ये तभी होता है जब इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जब वो अपने लिम्बिक ब्रेन पे कंट्रोल नहीं रख पाता है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाता है. देन योर दिस ब्रेन कम्स इन पिक्चर. यहाँ पर फ्रंटल ये हिंड कॉर्टेक्स जो है वो एक्चुअली इट स्टार्ट्स गिविंग यू एन एग्रेशन. प्लस यही वो ब्रेन है जो आपको दौड़ने के लिए भी प्रेरित करता है व्हेन यू आर अंडर अ फियरफुल सिचुएशन, क्योंकि आपका लिम्बिक सिस्टम इस पार्ट को एक्टिव कर देता है. सो दैट, नहीं तो आप सामने टाइगर है फिर भी अगर वहीं बैठे रहे तो यू आर इनवाइटिंग अ डेथ. तो ब्रेन के ये तीन हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ईएफटी में लोग आज तक जितने भी, मैंने भी ईएफटी के कुछ लोगों के ट्रेनिंग्स अटेंड किए हैं, दे ऑनेस्टली डोंट टच दिस पर्टिकुलर पार्ट. बट ये जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप ईएफटी ठीक तरह से यूज नहीं कर पाओगे. इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड ऑल द थ्री पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, क्योंकि आपका रेप्टिलियन ब्रेन ही है जो हमेशा आपको अलाइव रखता है. तो अगर आप सही तरीके से टैपिंग कर पाओ तो डेफिनेटली आपका लिम्बिक ब्रेन भी शांत हो जाता है, रेप्टिलियन ब्रेन स्टार्ट्स परफॉर्मिंग परफेक्टली फाइन, एंड योर एंटायर मेटाबॉलिज्म, योर बॉडी रिमेन्स इनटू अ फ्लाइट मोड. वरना कंटिन्यूस फाइट मोड में रहोगे तो सिर्फ और सिर्फ डिजीजेज आने शुरू हो जाते हैं. एंड एक बार साइकोसोमेटिक डिजीज बॉडी में आ गई तो वो क्रोनिक पेन बनने में टाइम नहीं लगता है. एंड क्रोनिक डिजीजेस एज पर मेडिकल साइंस इट टेक्स इयर्स एंड इयर्स ठीक होने के लिए. बट क्रोनिक पेन्स कैन बी इजिली मैनेज्ड विथ हेल्प ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, वेदर इट इज ईएफटी, वेदर इट इज एनएलपी, वेदर इट इज क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, अलॉन्ग विद द ऑनगोइंग मेडिसिन, जो भी होगी. मैं ये हमेशा कहता हूँ कि ऑनगोइंग मेडिसिन चालू रखिए, बट ट्राई टू वर्क ऑन दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स. जैसे ही आप इन दोनों को प्रोग्रामिंग करना शुरू करते हो, जैसे ही आप इनको कमांड देना शुरू करते हो, तो आपकी बॉडी नॉर्मल होने के चांसेस 99% है. बट पीपल डोंट वर्क हियर एंड दे ओनली वर्क ऑन द बॉडी पार्ट, कि दवाइयाँ लो पेट में, एंड दवाइयाँ लेने के बाद जब आप स्टेरॉइड्स लेते हो तो इट इज नथिंग बट इट इज मेकिंग यू स्लीप. आपकी इम्यूनिटी इफेक्ट होती है स्टेरॉइड्स की वजह से. लाइक इफ यू सी, जब किसी की सर्जरी होती है तो वी आर नॉट अलाउड टू गो एंड मीट द पेशेंट. एनी आइडिया निशा मैडम, आप डॉक्टर हैं, After surgery, we are not allowed to meet the patient, especially after implant. Why is it so? आप लोग allow नहीं करते हो. Any specific reason? नहीं, इसीलिए allow नहीं करते हैं कि वो more susceptible to infection. जब आप ट्रांसप्लांट करते हो तो आपकी बॉडी उसको रेजिस्ट करना शुरू करती है बिकॉज आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है. So the steroids which are given during the surgery and after the transplant are specifically meant to suppress your immunity so that the body starts accepting the new transplant. And उस वक्त उस patient को infections के chances बहुत ज़्यादा होते हैं. इसीलिए ICU के patient जिनको implant हुआ है, heart transplant, surgical implants, इन लोगों को किसी से मिलने नहीं लिया जाता है या लोगों को इनसे मिलने नहीं लिया जाता है, बिकॉज योर बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू फाइट बैक.
नहीं तो वो इम्प्लांट कभी सक्सेसफुली नहीं होगा। स्पेसिफिकली स्टेरॉइड्स देख के इम्यूनिटी ऑलमोस्ट जीरो की जाती है, एटलीस्ट जब तक आईसीयू में है पेशेंट तब तक, एंड फिर उसके बाद उसके स्टेरॉइड्स कम किए जाते हैं। सिमिलरली इफ योर बॉडी इज अंडर कंटिन्यूअस स्ट्रेस मोड, योर बॉडी कैन रिएक्ट वियर्ड, एंड उस वक्त आपकी इम्यूनिटी या तो जीरो हो सकती है या हाइपर एक्टिव हो जाती है। हाइपर एक्टिव जब हो जाती है इम्यूनिटी तो आप नॉर्मल इवन पोलन ग्रेन्स की भी फिर आपको एलर्जी हो जाती है। छींक थोड़ी से थोड़ा सा मौसम बदल गया कि आपको छींक आनी शुरू हो जाती है। यहाँ से वहाँ आप बैंगलोर से मुंबई चले गए तो आपको मुंबई में छींक आ सकती है, बिकॉज दिस इज द नेचुरल रिएक्शन ऑफ द बॉडी, क्योंकि आपने आपकी खुद की इम्यूनिटी पे काम नहीं किया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वर्क ऑन योर इम्यून सिस्टम बाय डूइंग EFT। जब भी आप सही तरीके से टैपिंग करते हो, जब भी आप अपने खुद के इमोशंस को रिलीज करते हो, तो आपकी इम्यूनिटी सही तरीके से बैलेंस वे में रह सकती है, वरना आपकी इम्यूनिटी या तो सुपर एक्टिव हो जाती है या पूरी सप्रेस हो जाती है। When your immunity is completely suppressed, you are susceptible for all sorts of infection. And when your immunity is overactive, then you are susceptible for things like allergies, skin में जाने के बाद, sun में जाने के बाद जिनके rashes हो जाते हैं, ऐसी चीजें हो जाती है। कुछ लोगों को joint के swelling शुरू हो जाते हैं, arthritis, then skin diseases. All these things are real examples of immunity. Either it is suppressed or it is hyperactive. And ये सिर्फ और सिर्फ आपके emotions की वजह से होता है. Because you never know that what trigger factor has triggered you. And ये पता भी नहीं चलता है कि कौन से trigger factor की वजह से ये हुआ है. कभी कभी कोई fear भी हो सकता है जिसकी वजह से आपकी immunity suppress हो जाती है या हाइपर हो जाती है, क्योंकि बॉडी उस वक्त कैसे रिएक्ट करेगी इसका कहीं पर भी कहीं कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि अंडर दिस कंडीशन व्हाट विल बी योर इम्यूनिटी। इट इज इंडिविजुअल्स बॉडी एंड द बॉडी रिस्पॉन्स, आइदर इट विल गो दिस वे और दिस वे। ऊपर जाएगी तो आपको ऑटो इम्यून डिजीजेस होने के चांसेस ज्यादा है, जहाँ पे कंटिन्यूस फिर आपकी बॉडी उस मोड में जाती है। सप्रेस हो गई तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज कमिंग इनसाइड योर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, इन द फॉर्म ऑफ इवेंट्स, एंड हाउ यू आर एबल टू हैंडल इट। हम लोग जब चाय पीते हैं, चाय बनाते हैं, तो उस वक्त छन्नी से छानते हैं कि अपने को चाय चाहिए, नीचे बाकी सारा कचरा ऊपर रह जाता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको आपके दिमाग में क्या जाने देना है, फिल्टर क्या करना है, द पीपल विद हुम यू आर। नाउ यू कांट अवॉइड दोज पीपल, बट स्टिल एटलीस्ट यू कैन प्रोग्राम योर माइंड इन सच अ वे दैट इट शुड नॉट अफेक्ट यू। कभी कभी होता है कि ठीक है, नो मैटर हाउ मच यू वर्क ऑन योर सेल्फ स्टिल यू रिएक्ट, बट इट इज important that you keep your mind under control so that you are not susceptible for the disease. Dusra ek bada problem aata hai wrong emotions ki wajah se, that is irritable bowel syndrome, bahut common hai, jiska ilaj allopathy mein almost na ke barabar hai. Homeopathy has it, ayurvedic has it, no doubt, but then still it is completely related to mind. Otherwise, you have to go for alternative therapies. So, usse achha hai, work on the root cause, accept the things and start doing the tapping. Jab aap kisi cheez ko accept karte ho, to cheezein jaldi release honi shuru ho jati hai. But if you don't accept it, then you go into a resist mode and then your body goes into a fight mode. So, it is important to accept the fact ki haan hai to hai. Now find out a reason. But maximum लोग क्या करते हैं, है तो क्यों है
एंड देन दे रिएक्ट टू इट. उससे सबसे पहले उन्हीं की तबीयत खराब होती है. जो भी डिजीजेस होते हैं, मैक्सिमम डिजीज हैपन टू पीपल हु रिएक्ट. इफ यू डोंट रिएक्ट एंड इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कैचिंग अप विद द इश्यूज, हेल्थ इश्यूज इज वेरी लेस. बट आप देखो, ये निशा मैडम के पास भी पेशेंट्स आते होंगे, दे रिएक्ट एंड देन देयर बॉडी रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंगली. बट इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, इफ यू एक्ट ऑन इट, यू विल सी दैट योर बॉडी फंक्शंस नॉर्मली. क्योंकि वो इवेंट हो जाने के बाद अगर आपने रिएक्ट किया है तो आपको तकलीफ होगी, बट सामने वाले को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कभी. He will live his happy life, but you make a mess in your own life. So instead of reacting, try to act on the situation. Try to understand. Shanti se 2 minutes sun loge, to kuch fark nahi padta hai. You will be able to tap your emotions in a better way. But generally, what people do is they react immediately. Ki aisa kyun? Isne aisa kyun kiya? There is no point in understanding ki isne aisa kyun kiya. शांत बैठो 2 मिनट, यू योरसेल्फ विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग राइट एंड व्हाट इज हैपनिंग रॉन्ग. हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, बट एटलीस्ट ट्राई टू डू इट 90% ऑफ द टाइम्स, इट विल हेल्प यू. क्योंकि जब हम EFT अभी आगे आज EFT सीख रहे हैं, तो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू टैप योर ऑल द पॉइंट्स डेली. कल जो मिनिमम पॉइंट्स बताए थे 7 पॉइंट्स, वो तो है ही. उसके अलावा विल ट्राई टू अंडरस्टैंड that how exactly we can make the things better. For example, if we have to work out EFT for, say, confidence. Suppose kisi ka kuch meeting hai, low confidence hai. You can just frame a sentence, even though I have a lack of confidence, I'll perform better. परफॉर्म इन द गुड वे. ये स्टेटमेंट जब आप एक्सेप्टेंस मोड में जाते हो, दैट इवन दो आई हैव अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इट्स फाइन. बट लोग क्या करते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है और यहीं पर पैर लटपटाने शुरू हो जाते हैं. सो अंडरस्टैंडिंग दैट एक्सेप्ट द थिंग, थिंग्स विल बी बेटर. बिकॉज EFT इज नॉट अबाउट जस्ट टैपिंग द पॉइंट्स. जितने भी लोग सिखाते हैं, with due respect to them, but it's far beyond tapping the points. जब डॉक्टर ग्रेग ने बनाया था EFT, तो उन्होंने वही कहा था that it is not about tapping the points, but it is tapping the emotions. And इसीलिए थाइमस के पॉइंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है. लोगों के दिमाग में यह होता है कि EFT मतलब ये टैप किया और EFT हुआ. ऐसा नहीं है. EFT, the main role of EFT lies here because this thymus point has all your feelings. So, आपको वो देखना है कि आप क्या कर रहे हो. So, for example, if you have a meeting tomorrow and confidence नहीं है, यहाँ से शुरू करोगे eyebrows से, like, and to enjoy it more, you can even sing a song. It works well. Jingle bell करते हुए किसको सारे पॉइंट्स याद है करके? Anyone who remembers all the points? Start. कोई भी एक स्टेटमेंट ले लो. ये दो उंगलियां मिनिमम 7 to 8 times करो, so that you see the results immediately. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, और इसके आगे आज हम आगे जाएंगे. आज हम लोग इससे आगे देखेंगे दैट हाउ टू मूव फर्दर. ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. शैल मैडम, आपने जिस तरह से किया वैसा नहीं करना. ये दो उंगलियां है ना, एग्जैक्टली यहाँ का जो वी पॉइंट है, वी पॉइंट में थाइमस होता है,
you have to tap it in such a way that you feel it inside the heart. Emotions वहाँ पे complete release होते हैं. Side में नहीं होता है. This is also termed as a soul point in EFT. SORV. यहाँ पे सारे emotions होते हैं. Thymus की gland होती है यहाँ पे. So tapping this point helps you to release lots of emotions. Body structure के हिसाब से थोड़ा बहुत up down हो जाएगा सबका. But it is exactly here, ये V point. So it will help you to program your emotions in the positive. दरवाजा लगा के ले. Program your emotions for making your health better, for making your life better. For example, suppose अगर आपको weight का problem है. Even though I have bad eating habits, I choose to lose the weight. बोलो. It will help you. Now we will say कि ऐसे कैसे होगा. सबसे पहले जब आप even though I have bad eating habits ये बोलते हो तो आपका subconscious mind program करता है कि हाँ bad eating habits है and then it will start work on it. Even though से शुरू करो. Things will change immediately. एक छोटा सा example देता हूँ. I want to lose weight. But everyone in my family is obese. इसमें आपका ध्यान कहाँ जाता है? I want to lose weight, but everyone in the family is obese. Where does the focus go when you say this sentence? Sir, genes में. Genes में नहीं, sentence पे ध्यान. Sentence पे ध्यान दो. I want to lose weight. But everyone in my family is obese. Obesity. हाँ. वो बता. But के बाद. कि editor है तो I am also obese तो ये जाना मुश्किल है. जाना मुश्किल. हाँ. जाना मुश्किल है. And most of the people who want to give excuses, they use but in their sentence. Now, if I say, I want to lose weight even though everyone in my family is obese. इमीडिएटली आपका फोकस चेंज हो जाता है. बिकॉज ईएफटी ऐसा आई हैव बीन सेइंग फ्रॉम डे वन, इट इज नॉट अबाउट टैपिंग बट इट इज अबाउट इम्प्रिंटिंग दोज थॉट्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड. सिर्फ बोलने से ईएफटी नहीं होता है या सिर्फ इससे नहीं होता है. इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू बिलीव, क्योंकि ईएफटी डेवलप ही हुआ था 1990s में. Which is officially documented. So, when Dr. Greg ne ispe kiya tha, to he had specifically mentioned that you try to reframe your sentences also in such a way that you see the results immediately. Aur usko itna time isiliye laga hone ke liye, because initially when EFT was developed, at the same time NLP and hypnosis was also being developed. मिल्टन एरिक्सन ने जब मिल्टन मॉडल बनाया, दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन एट वेरी लाइक बहुत कम जगह ये अवेलेबल होगी इंफॉर्मेशन. तो टेक इट एज अ इंफॉर्मेशन. आई डोंट नो हाउ फार इट विल बी यूजफुल फॉर यू. बट ईएफटी जब तैयार हुआ 1990 में, जब फाइनली यूज होना शुरू हुआ, उसके पहले एनएलपी कंप्लीट डेवलप हुआ था एंड एनएलपी आज भी डेवलप हो रहा है. हिप्नोसिस डेवलप हुआ था. And at the same time, Dr. Erickson, Milton Erickson, इन्होंने Milton model बनाया था. Milton model states that how you talk to yourself in a hypnotic command or whatever way. तो जो लोग कहते हैं कि हमने बहुत पहले से EFT शुरू किया 1980s, वो that was not a EFT. That was more about only the meridian tapping. Actual EFT शुरू हुआ 1995-96 के बाद. And this is like, it works fantastically because when you program your subconscious mind, it works better. Yahan par hum log hypnotic commands use karte hain. That even though I choose to lose my weight, even though everyone in the family is obese, I choose to stay healthy, even if I am having certain health issues. Theek hai, health issues hai, accept karo. But I choose to remain healthy. I choose to stay happy. Even though I am in the abusive environment.
किसी के घर पे प्रॉब्लम्स होते हैं तो आई चूज टू बी हैप्पी इवन दो आई एम इन अब्यूजिव एनवायरनमेंट. अपने आप आपका प्रोग्राम चेंज हो जाता है एंड इट हेल्प्स एस्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप. आई चूज टू सेव दिस मैरिज इवन दो आई एम इन द अब्यूजिव रिलेशनशिप. हो सकता है, डेफिनेटली होगा, बिकॉज योर परसेप्शन चेंजेस. आई चूज टू स्टे हैप्पी इन माई मैरिड लाइफ इवन दो सो एंड सो. इवन दो लगा दो बीच में आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है. एंड टैपिंग के लिए ये पॉइंट्स होने के बाद उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आगे ये है दैट दिस वॉज द फर्स्ट थिंग सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. उसके बाद 8 अंगूठे का सबसे बाहर का हिस्सा, ये यहां पर दोनों उंगलियों से टैपिंग करके, देन दिस एंड सबसे बाद में ईएफटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज टर्म्ड एज अ गैमेट पॉइंट. यहां पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं हाथ पे. यहां पे ये ड्रॉ किया है, ये दिखाई देगा डार्क ब्लू. यस सर. ये पॉइंट सबसे लास्ट में आता है टैपिंग में, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ईएफटी. लोग यहीं पे टैपिंग करके छोड़ देते हैं, दैट डजंट सॉल्व द पर्पस. ये आप डेली 7 पॉइंट जो है ना, ये डेली इतना कर सकते हो, बट एस्पेशली व्हेन यू वांट टू गेट रिड ऑफ एनी डिजीज और एनी पैटर्न व्हिच इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ हेल्थ प्रॉब्लम, देन यू शुड प्रोग्राम दिस कंटिन्यूअस पॉइंट्स. ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट. ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट, एट्थ पॉइंट, नाइन्थ पॉइंट, टेंथ पॉइंट, इलेवेंथ, ट्वेल्थ एंड थर्टींथ. ये 13 पॉइंट्स अगर आप रोज टैप करते हो, एंड ऑल्टरनेटिव करना, एक दिन ये हाथ के, एक दिन ये हाथ के, इट विल हेल्प यू. इवन यहाँ का ये जो अलग सिक्स पॉइंट जो है, कभी इस तरफ कर देना, कभी इस तरफ कर देना, सो योर बोथ द पॉइंट्स आर एक्टिवेटेड प्रॉपरली. इट हेल्प्स यू टू सर. इसका नाम गैमट पॉइंट. गैमट जी ए एम यू टी. यस परफेक्ट मैडम, शेयर मैडम, परफेक्ट. GAMUT. ये पॉइंट बहुत ज्यादा आपको रिलैक्स देता है. अगर सपोज कहीं पर कुछ करने को नहीं है आपको, लाइक यू आर इन द सिचुएशन दैट यू कांट डू एनीथिंग, ये सारे पॉइंट्स एक्टिवेट नहीं कर सकते हो, तो सिर्फ ये गैमेट पॉइंट को भी आप टैप करोगे बैठे बैठे ऑफिस के मीटिंग में या कहीं पर भी, तो भी यू विल सी दैट यू आर एबल टू फील रिलैक्स्ड. इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर कहीं आप मीटिंग में वगैरह हैं जहाँ पे आपको इमीडिएट रिलैक्सेशन चाहिए, तो जस्ट टैप दिस गैमट पॉइंट, क्योंकि वहां पे तो आप थाइमस को टैप करोगे तो लोग बोलेंगे क्या हो गया इसको. तो दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल. यू विल इमीडिएटली सी द शिफ्ट इन योर इमोशंस. नेहा मैडम ये वाला ऊपर ऊपर ऊपर, ये देखो, ये जो दो उंगलियां, ये जो दो पैर है ना, इसके बीच में एग्जैक्टली, दिस इज टर्म्ड एज अ गैमट पॉइंट. इसको टैप करोगे तो आपके बहुत सारे इमोशंस इमीडिएट कंट्रोल में आते हैं, स्पेशली अंडर द सिचुएशंस वेयर यू कांट डू एनीथिंग. फॉर एग्जांपल अगर आप, भगवान ना करे, किसी के घर पे जाते हो, कहीं पे कुछ डेथ हो जाती है एंड यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस, बैठे बैठे बस आप इतना भी कर दोगे ना, तो दैट सिचुएशन विल नॉट अफेक्ट यू. सामने कोई गुस्सा कर रहा है, इतना भी करोगे आप तो भी आपको उसका इफेक्ट नहीं होगा. एंड देन लेटर ऑन सोने से पहले आप पूरा सारे पॉइंट्स रन कर दीजिए, बट
अंडर द सिचुएशंस वेयर यू नीड इमीडिएट कंट्रोल, इतना भी बहुत हो जाता है. सेम थिंग अगर किसी कोई कैंसर पेशेंट है, ईएफटी वर्क्स अमेजिंग इन कैंसर पेशेंट्स, एस्पेशली कीमोथेरेपी अगर किसी की शुरू है, तो यू कैन मेक अ सेंटेंस फॉर देम, आई चूज टू कीप माय बॉडी हेल्दी इवन दो आई एम अंडरगोइंग रेडिएशन. उनके बॉडी का नुकसान कम होगा, बिकॉज रेडिएशन में क्या होता है, आपके जो एग्जिस्टिंग जो डैमेज सेल्स है कैंसर से, उसके साथ साथ बाकी के सेल्स भी खराब हो गए. तो बाकी के सेल्स भी खराब होने शुरू हो जाते हैं. सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू गिव अ राइट सेट ऑफ वर्ड्स. सिमिलरली अगर आप जो डॉक्टर हैं, जो एक्चुअल थेरेपिस्ट हैं, इफ यू हैव एनी पर्सन हु इज हैविंग इश्यूज रिलेटेड टू इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी, प्रोवाइडेड देयर इज नो फिजिकल डैमेज हैपेंड इन द बॉडी, यू कैन यूज दिस दैट आई चूज टू मेक माय XYZ life better even though I am under stress. Because maximum issues jo infertility and impotency mein hote hain, they happen out of stress. To wo aap immediately theek kar sakte ho, and most of the times you will see, especially those who are doctors or those who are working in this therapy, that medical reports normal hote hain but phir bhi logon ko bacche hone mein problem hota hai. सब कुछ नॉर्मल है स्टिल, बिकॉज समवेयर दैट देयर स्ट्रेस इज इम्पैक्टिंग देम सो मच दैट एज पर मेडिकल रिकॉर्ड्स इट कम्स एज अ आइदर इनफर्टिलिटी और इम्पोटेंसी विच लाइज इन द ब्रेन. मैक्सिमम प्रॉब्लम्स लाइ इन द ब्रेन, क्योंकि यहीं से शुरू होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज किसी के दिल में एक बार नफरत बैठ गई लाइफ पार्टनर के प्रति या किसी के प्रति, इट कैन बी एनी वन, मेल और फीमेल, probably chances are there that they might miss out their married life in a better way. Kyunki aapke emotions aapko allow hi nahi karte hain to get along with each other. And aise cases aapko aajkal ke time mein bahut zyada milenge. Aapke aas paas bhi aap dekhoge na, maximum people have problems related to intimacy and relationships. कहीं पर भी मिल जाएंगे. डॉक्टर्स एंड थेरेपिस्ट एंड काउंसलर्स के पास तो ऐसे बहुत आते हैं. ये एक देन कैंसर, बहुत सारे पेशेंट्स मिलेंगे जिनको रेडिएशन से पहले या रेडिएशन जब शुरू है उस वक्त भी आप टैपिंग दे सकते हो हल्के हाथ से. इट हेल्प्स देम टू सी बेटर इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन. मे बी ऐसा हो सकता है कि 20 कीमो की जगह 15 कीमो में काम हो जाए या फिर डैमेज कम हो जाए बॉडी का. बिकॉज वंस यू आर इमोशनली स्ट्रांग थिंग्स गेट बेटर. देन आई चूज टू लिव अ हैप्पी मैरिड लाइफ इवन दो आई हैड इश्यूज इन द प्रीवियस रिलेशनशिप्स. बहुत से लोगों के मल्टीपल रिलेशनशिप्स बहुत बार हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं, एंड देन दे गो फॉर मैरिज. रिलीज योर इमोशंस and then things get better. क्योंकि ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे. If you choose to take it as a profession, EFT as a profession, it is a very good tool to start with. And इसमें ना किसी का नुकसान है, ना किसी को आप नुकसान पहुँचाते हो, ना खुद को नुकसान पहुँचाते हो. But उससे पहले आप खुद के लिए शुरू कर दीजिए. Try to use EFT on yourself daily. The moment you try to work on yourself, things will start getting better. क्योंकि आपका जो प्रोग्राम बना हुआ है, जो पहले दिन मैंने आपसे दांत मंजवाए थे, वो उसी लिए बनवाए थे कि जो प्रोग्राम बना है उसको तोड़ना कैसा है. तो विथ EFT दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल दैट यू कैन डू इट. तो ऐसा कभी मत सोचिए कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये कैसे ठीक होगा. देन वन मोर थिंग, लाइक टुडे मॉर्निंग समवन हैड मैसेज्ड मी फ्रॉम द ग्रुप, नाम नहीं लूंगा, कि that person tried to use it
बट शायद उनकी मम्मी को और ज्यादा पेन शुरू हुआ। तो ऐसे केस में ये भी होता है कि अगर उस इंसान ने पहले से ही बहुत ज्यादा पेन दबा के रखा है, इमोशंस दबा के रखे हैं, तो चांसेस आर दैट इट विल एग्रेवेट, बट निकल जाएगा पूरा, बट उसकी सहन करने की क्षमता होनी चाहिए उस इंसान की। कभी कभी लाइक एज पर आयुर्वेदा ऑल्सो, जब आप किसी चीज को ठीक करने की कोशिश करते हो तो जड़ से निकलने के लिए वो स्किन पे बहुत बार ये आते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन। हम लोग बोलते हैं साइड इफेक्ट, इट इज नॉट अ साइड इफेक्ट, इट इज अ पॉजिटिव आउटकम ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि वो जड़ से निकाल रहा है किसी चीज को। होम्योपैथी, इट रिमूव्स फ्रॉम द रूट, निकलता है पूरी तरह से। सो यू हैव टू बिलीव इन दैट मेडिसिन एंड देन थिंग्स गेट 100% बेटर। यहां तक किसी को कोई डाउट है टैपिंग पॉइंट से रिलेटेड अब तक? सर आईबीएस का क्या एफर्मेशन बनाना है? सर आप पी लीजिए अच्छे से। बाकी कुछ तो पीता नहीं हूं, एटलीस्ट पानी तो पी लू। IBS के लिए आप देखो, IBS कब होता है जनरली इंसान को? IBS तब होता है जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है। आप देखो, अगर सपोज अगर आप किसी के घर जाते हो जहां पर आपको बहुत ज्यादा टेंशन है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, एंड अगर आपको वहां पे 2-3 दिन रुकना है, तो प्रोबेबली यू माइट सी that you are passing a blood through your stool. आपको लगता है कि piles हो गए, but वो piles नहीं होते, it is IBS. क्योंकि जब stress में होता है तो आपके intestines malfunction करना शुरू करते हैं and stool में से खून निकल सकता है। जब आप किसी stressful environment में होते हो, fearful environment में होते हो, and that if it is continuously happening, then it can lead to IBS. ये तो बस शुरुआत होती है। सो नेवर मिसइंटरप्रेट, अगर सपोज आपके फैमिली में कोई है जो कहता है कि मुझे स्टूल में से खून पास हो रहा है, डोंट मिसइंटरप्रेट इट एज पाइल्स, इट कैन बी IBS, एंड IBS की ट्रीटमेंट सही वक्त पर अगर आप लेते हो, एंड ट्रीटमेंट इन्वॉल्व बोथ मेडिसिन एज वेल एज ऑल्टरनेटिव थेरेपी, क्योंकि एलोपैथी में IBS के लिए ट्रीटमेंट नहीं है। द बेस्ट वे इज टू यूज होम्योपैथी, आयुर्वेदा एंड सुजोक थेरेपी। सुजोक थेरेपी काम आती है, कलर थेरेपी काम आती है, इट हेल्प्स। जिसको कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनके लिए ये बहुत एक आसान तरीका है। आपके घर पे पेन तो होता ही है, ये वाला जो पॉइंट है इसको यहां से यहां से शुरू करना टैपिंग। इसको टैप दबाने का ऐसा 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 ऐसा, तो इट हेल्प्स यू टू सी अ रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जो आप घर पे बैठ के कर सकते हो। खाना होने के बाद इमीडिएटली नहीं, बट एक 10-15 मिनट बाद अगर आप अंगूठे से सिर्फ इस पॉइंट को प्रेस करते हो ना, तो यू विल सी दैट योर डाइजेशन बिकम्स परफेक्ट। क्योंकि यहां पर आपका लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैनक्रियास, सारे इतने एरिया में सारे पॉइंट्स होते हैं, ये पूरा एरिया इंटेस्टाइन का आता है। तो वंस यू स्टार्ट प्रेसिंग दिस, योर इंटेस्टाइन बिकम्स फंक्शनली नॉर्मल,
एंड यू कैन फील इट. जब आप यहाँ पे दबाते हो ना, आपको पेट में वाइब्रेशंस महसूस होंगे. दबा के देख लो खुद के हाथ से, यहाँ से जब करते हो ना, तो यू फील दैट वाइब्रेशंस इन योर स्टमक. इमीडिएट महसूस होता है. तो ऑफकोर्स दिस डजंट कम अंडर EFT, बट जिनको अगर कोई दिक्कत है तो दे कैन ऑलवेज यूज दिस पॉइंट्स एज ट्रिगर पॉइंट, कि कॉन्स्टिपेशन, IBS, ये चीज़ें इससे जल्दी ठीक होती है. IBS के लिए सुजोग के साथ साथ कलर थेरेपी भी बहुत अच्छी काम आती है. EFT से तो होगा ही, बट EFT से क्या होता है कि हम सिर्फ इमोशंस रिलीज करते हैं एंड देन अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो ट्राई टू वर्कआउट ऑन दिस थिंग्स. कि जब आप पॉइंट्स को एक्चुअल टैप करते हो तो यू विल सी दैट थिंग्स आर गेटिंग बेटर. बट IBS शुड बी ट्रीटेड एट द राइट वे. नहीं तो लोगों को ऐसी भी हालत होती है दैट दे ईट एंड दे हैव टू गो फॉर वॉशरूम टॉयलेट. ये एक्सट्रीम केसेस में होता है. सो एंड स्पेशली छोटे बच्चों को भी आप देखो, जब भी कुछ पेट में इन्फेक्शन होता है, कुछ भी खाते हैं, इमिडिएटली जाना पड़ता है, बिकॉज दैट इज दैट IBS सिम्टम. सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू मैनेज योर इमोशंस. जब आप गुस्से में होते हो तब आपकी इम्यूनिटी जीरो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एंड यू टेंड टू अक्वायर ऑल सॉर्ट्स ऑफ फीवर व्हेन यू आर अंडर एंगर. या अगर आप किसी को डांटते हो, आप कोशिश करके देखो, आपके बच्चे को डांटो ज़रा ज़्यादा, एक दो दिन बाद उसको बुखार आ सकता है या दूसरे दिन भी बुखार आ सकता है. बिकॉज द मोमेंट यू शाउट ऑन हिम और हर, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है बॉडी. एंड जब आप उस समय जब आप ब्लड रिपोर्ट चेक करते हो तो उसमें एसिनोफिल्स बड़े हुए दिखाई देते हैं. ऑफकोर्स इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट, बट एक इंट्रोडक्शन कि यस, एसिनोफिल्स बड़े हुए दिखते हैं. सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू डोंट शाउट on your children, rather make them understand what is right and what is wrong. Varna wo bimar kyun pada ye pata bhi nahi chalega. Doctor bolte hai viral fever hai, sab kuch hai, but wo viral fever aap hi ke bacche ko kyun hua, ye sochne wali baat hoti hai. Baki 10 bacche bhi uske class mein the, unko nahi hua, isko kyun hua? Because once the immunity goes low, once the person is suppressing anger, his immunity goes low. एंड जैसे ही इम्यूनिटी लो जाती है, यू आर ससेप्टेबल फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीजेस. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरह से खुद की लाइफ को चेंज करते हो. EFT बहुत आसान है, सिंपल. हमेशा एक बात ध्यान में रखने के लिए, ट्राई टू कीप द थिंग्स सिंपल. आप जितनी बुक्स पढ़ोगे ना EFT पे, दुनिया भर का मटेरियल सब लोगों ने पब्लिश किया है, बट फाइनल आउटकम जो है वो ये होना चाहिए कि आपकी हेल्थ ठीक होनी चाहिए. एंड अगर इतने पॉइंट्स टैप करके अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो व्हाई नॉट टू यूज इट. सारे बड़ी से बड़ी किताबें आप निकालो, सब में दुनिया भर की थियोरी दी होती है, बट बाद में यही लिखा होता है कि ये पॉइंट्स आपको टैप करने हैं. तो इतना सब कुछ करने से अच्छा है कि सिंपल ये पॉइंट्स टैप करना सीखो. मेक योर लाइफ सिंपल. Because the more you go into the deep studies, unless and until it is your profession, it is not needed. जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई लेते हो, वापस आते हो. You don't go and study his entire MD's medicals or medical का पूरा science नहीं पढ़ते हो आप. But जिसको इसमें आगे जाना है, definitely जब से मैंने course शुरू किया है, अब तक 4-5 books के नाम बता चुका हूँ मैं. ये बुक्स आपके पास होने चाहिए. वो रियली वॉन्ट टू गो अहेड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, कि जहाँ पे आपको खुद पे काम करना है, दूसरों पे काम करना है, एंड इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ रिजल्ट, डेफिनेटली इट वर्क्स. सिमिलरली NLP इज ऑल्सो एन अमेजिंग थेरेपी विच गिव्स यू रिजल्ट्स. लोगों को लगता है NLP मतलब क्या है, क्योंकि फेसबुक पे आप रोज कुछ ना कुछ ऐड देखते हो किसी ना किसी की. ये कोई NLP 500 रुपए में सिखाता है, कोई 1,00,000 रुपए में सिखाता है, बट वॉट एवर इट इज, यू शुड बी एबल टू अप्लाई इट इन योर डेली लाइफ. एंड NLP इज नॉट अबाउट द सिस्टम और द प्रोसेस, बट इट इज मोर अबाउट डीलिंग विद द पीपल ऑन द इमोशनल लेवल.
वरना आप 50,000 का एनएलपी का कोर्स करके भी आई कैन गारंटी दैट यू विल नॉट सी अ सिंगल पेनी रिजल्ट इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एनएलपी और व्हाट इज ईएफटी एंड इफ यू आर नॉट एबल टू यूज इट। पहले दिन जब मैंने आपको वो एग्जाम्पल करवाया था रश का, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनएलपी कि जो पैटर्न आपका बना हुआ है वो पैटर्न को अगर चेंज करना है तो फिर एनएलपी के टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो, बट दैट इज ऑलरेडी अ प्रोग्राम विच इज डन इन द माइंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और इसको चेंज करने के टेक्निक्स अलग अलग तरीके एनएलपी में सिखाए जाते हैं। So if you are looking forward for learning NLP also, learn NLP from anyone, wherever you wish. But try to understand the concept of human body. It is important that you should learn. Hypnotherapy. Duniya bhar ki cheeze sikhayi jati hai hypnotherapy mein. I am a certified hypnotherapist, licensed practitioner from UK and also from Colombo. But finally, sabka कंसेप्ट एक ही है, बिलीव दैट योर सबकॉन्शियस माइंड कैन डू इट एंड इट विल डू इट, वरना कुछ नहीं होता है। इफ यू बिलीव दैट यू कैन डू इट यू विल बी एबल टू डू इट। टेलीपैथी इज ऑल्सो वन ऑफ द सेम थिंग बिकॉज ऑल ईच एंड एवरी पर्सन ऑन द अर्थ इज कनेक्टेड विद ईच एंड एवरी पर्सन। एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ या सिंपल A best way is to bring down your body frequency to the frequency of the earth, 6.8 hertz. Earth rotates at the frequency of 6.8 hertz. Agar aap aapke dimag ko 6.8 hertz pe leke aate ho, to you can connect with anyone. And uske liye kuch nahi karna hota hai, bas aapko shant baithna hota hai. Meditation ke liye shant baitho, aapka dimag 6.8 hertz 6 hertz पे आ जाता है एंड देन यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद एनीवन। यू कैन सेंड योर थॉट्स टू एनीवन, यू कैन कम्युनिकेट विद एनीवन एंड यू कैन मेक द थिंग्स पॉसिबल बिकॉज एवरीथिंग लाइज इन द माइंड। और उसकी फ्रीक्वेंसी से अगर आप मैच करते हो तो आप दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो, बट लोग वो करते ही नहीं है। लोग जाएंगे हर चीज़ के पीछे, कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कभी ये, कभी वो। वो चीज़ें तभी काम आती हैं जब आप आपके बॉडी की फ्रीक्वेंसी को कम कर पाओ। यू आर कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइक 21 to 30 hertz। 4 stages होते हैं माइंड के, ऑफकोर्स ईएफटी में आता नहीं है बट स्टिल आई वुड लव टू से दिस, बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। राइट नाउ यू आर इनटू अ बीटा स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे आपका माइंड जो है वो 21 to 30 hertz के बीच में घूमता है। फिर अल्फा आता है, फिर थीटा आता है एंड फिर डेल्टा आता है। डेल्टा इज द डीप स्लीप जो आजकल के लोगों को मिलती ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर आइदर इनटू अल्फा या फिर डेल्टा में। जैसे जैसे थोड़े बहुत जाते हैं डेल्टा में, मोस्ट ऑफ द पीपल हु स्लीप आर इन अल्फा स्टेट ऑफ माइंड क्योंकि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चक्कर चालू रहता है। नींद में भी उनकी आंखों के सामने बहुत कुछ दिखता है। So please try to keep off your mobiles at least for 1 hour before sleep. Things will improve. EFT helps you 200% when you are able to use it. Sone se pehle roz kar dijiye, 10-15 minute pehle, you will see that your sleep is improved. Pattern sleep ka improve ho jayega, life achhi ho jayegi. But hum log karte nahi hai. Hum log last mein sone tak mobile mein अंदर रहते हैं। ये भी सोने को क्या, रात को टॉयलेट के लिए उठ जाते हैं तो भी बीच में एक बार मोबाइल चेक करते हैं कहीं व्हाट्सएप पे कोई मैसेज तो नहीं है। दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। वंस योर माइंड लाइक व्हेन यू गेट अप फॉर द टॉयलेट, उस वक्त ही आपका दिमाग अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होता है। आप जाके आते हो टॉयलेट को, बट व्हाट यू डू इज यू चेक द मोबाइल एंड इमिडिएटली यू कम फ्रॉम अल्फा टू बीटा। फिर आपको नींद आने में तकलीफ होती है। जो अल्फा स्टेट में आप हो, जाके आ जाओ, चुपचाप सो जाओ, डोंट टच योर मोबाइल। इट विल हेल्प यू टू मेक योर लाइफ बेटर। बट हम वो करते नहीं हैं, इंक्लूडिंग मी, एट टाइम्स होता है कभी कभी,
बट देन इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू मैनेज योर स्लीप पैटर्न इन द राइट वे. भले 4 घंटे सोते हो, 5 घंटे सोते हो, बट स्लीप कंफर्टेबली. आपके इमोशंस आपके हाथ में होते हैं. इफ यू आर एबल टू प्रोग्राम योर माइंड इन अ गुड वे, यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस इन अ गुड वे. एनएलपी सीखो, हिप्नोथेरेपी सीखो, जो भी सीखना है सीखो, इट विल हेल्प. जिसको न्यूमरोलॉजी सीखना है, अच्छे किसी न्यूमरोलॉजी से न्यूमरोलॉजी भी आप सीख सकते हो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ साइंस विच कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपके हेल्थ की कितनी बैंड बजी हुई है. योर नेम कैन टेल वॉट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कौन से हेल्थ इश्यूज होंगे, क्या होगा. जो भी सीखेंगे ठीक से सीखो, सो दैट योर लाइफ बिकम्स बेटर, वरना तकलीफ होती है. Every alphabet in your name makes lots of difference and it creates a big impact. चाहे फिर वो कहीं भी आप यूज करते हो, बट आपका नाम बताता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. तो वर्क ऑन इट. एनी साइंस, जो भी कल इवन आप वो क्या पेंटिंग जो करते हैं, what do they call, मंडला आर्ट. That also helps you to release lots of emotions. But do it seriously. आप किसी भी चीज को अगर सही तरीके से करोगे तो you will see that you are able to perform the best. EFT बहुत अच्छा है टेक्निक, एंड होता कुछ नहीं है. जितना भी हमने वो जो अभी जो मैं PPT आपको दूंगा उसमें जो भी हमने सीखा इन 5 दिनों में, PPT doesn't have even 1% of that. Because it is a PPT. It doesn't have a life. Whatever things we discussed, whatever things we learned, that was out of the experience which I have been working on myself. खुद की गर्दन टूटने के बाद जब मैं आज इस फील्ड में आया हूँ, तो I have done something and I am proud of it. घमंड नहीं है, but definitely I am proud of it. That yes, I could stand back, and if I can stand back, that then why I can't teach and why I should not teach. अगर किसी की लाइफ ठीक हो जाती है तो हो जाती है. एक बात और हमेशा ध्यान में रखना. विवेक सर. हाँ जी बोलिए. रघु सर, एक्चुअली मुझे कुछ 2-4 पॉइंट्स ऐसे बताएंगे जो कि रहेंगे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, और कुछ ऐसा जो इंट्यूशन हो, okay. चीज एक्टिवेट हो. ये वाला जो पॉइंट है ना सर का, तालू जिसको बोलते हैं, yes. इसको अगर आप टैप करते हो, इसको टैप करते हो तो yes. आपका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन yes. बढ़ना शुरू हो जाता है. इट हेल्प्स. ओके. अगर आपको इंट्यूशंस भी बढ़ाने हैं, इंट्यूशंस बढ़ाने के लिए नाभि जो पॉइंट yes. है ना, नाभि में ये वाली yes, उंगली, ये वाली उंगली नाभि में अंदर डाल के अगर घुमाते yes, हो 2-3 बार, यू विल गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग. कोशिश करके देख लो. अभी भी एक बॉडी में अजीब सी वाइब्रेशन okay. होती है. दैट हेल्प्स यू टू इंप्रूव योर इंट्यूशन पावर. इसको डेली प्रैक्टिस करो. बाकी तो वो मूलबंध वगैरह लगा के, मूलबंध हेल्प्स यू टू इंप्रूव योर. यस सर, वो पता है. मूलबंध बहुत ज्यादा पावरफुल होता है. ओके सर. ओके. So that will help. And I'm, आप लोगों को पता है सर, ठीक है. मूलबंध पता है सर? मूलबंध क्या होता है? मूलबंध इन द सेंस लाइक आप अभी सी बैठ जाओ. थैंक यू सर. सीधा बैठ जाओ. थोड़ी सी कोशिश कर लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो, बहुत ज्यादा फायदा होता है. 5 मिनट लगते हैं सिर्फ. खड़े खड़े मत कीजिए. प्रेफरेबली ऑलवेज डू इट व्हाइल यू आर सिटिंग एंड योर बैक शुड बी स्ट्रेट. इट हेल्प्स इन मल्टीपल वेज. बहुत ज़्यादा फायदा होगा. प्लस इससे ये भी फायदा होता है जिनको पेशाब का प्रॉब्लम होता है ना, कि बीच बीच में ड्रॉपलेट्स निकल जाते हैं, तो दैट इश्यू इज ऑल्सो सॉल्व. इट हेल्प्स इमीडिएटली. बहुत जल्दी फायदा होता है इसका. छोटे बच्चों को भी होता है, एडल्ट्स को भी होता है, स्पेशली आफ्टर अ पर्टिकुलर एज व्हेन योर मसल्स स्टॉप having a control on themselves, this exercise helps. Especially after 40s,
एवरीवन शुड ट्राई टू डू इन टर्म्स ऑफ मेडिकल बेनिफिट आल्सो, बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी. और किसी को कोई डायबिटीज कैसे डायबिटीज का कंट्रोल कैसे कंट्रोल डायबिटीज होता क्यों है ये बताइए सर. इतना एनाटॉमी तो नहीं, एनाटॉमी नहीं. हमने पहले दिन से डिस्कस किया है कि एग्जैक्टली डायबिटीज क्यों होता है. व्हेन यू आर अंडर कंटिन्यूअस स्ट्रेस, व्हेन योर बॉडी इज अंडर कंटिन्यूअस फाइट मोड, तो आपकी आपके मसल्स स्ट्रेच्ड होते हैं. सिंपल भाषा में कोई भी डॉक्टर आपको इसको नहीं समझाएगा, मैं बेट लगा के कह सकता हूँ. जब भी आप स्ट्रेस में होते हो आपके मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड कंडीशन में रहते हैं. नॉर्मल ह्यूमन एनाटॉमी ये कहती है कि जो भी आप खाना खाओगे वो उसमें से जो ग्लूकोज जनरेट होता है दैट हैज़ टू बी एब्जॉर्ब बाई योर मसल्स सो दैट इट फंक्शंस प्रॉपरली. डायबिटीज़ के पेशेंट्स को क्या होता है कि उनके मसल्स ऑलरेडी स्ट्रेच कंडीशन में होते हैं, तो जो भी खाने में से जो ग्लूकोज जनरेट हुआ है वो ब्लड में आता है बट मसल्स में नहीं आता है, वो वहीं घूमना शुरू करता है एंड देन दैट लीड्स टू टाइप 2 डायबिटीज़. अब अगर ये कंटिन्यू कंडीशन परसिस्ट होती रहे तो एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे ब्रेन आपके पैनक्रियाज को सिग्नल भेजना शुरू करता है कि भाई अब तेरी ज़रूरत नहीं है, तू इंसुलिन बनाना बंद कर दे. And then that becomes a type 1 diabetes. Because and that becomes an autoimmune disease. जिसको हम लोग type 2, type 1 diabetes कहते हैं autoimmune में. उसी वक्त फिर आपका वजन भी बढ़ना शुरू करता है. वजन बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि आपका cortisol generate होता है. Cortisol generate होने की वजह से पेट पे चर्बी बढ़ जाती है. बाकी problems शुरू हो जाते हैं. किसी किसी की adrenaline glands अगर continue triggered है, immunity zero हो गई तो skin पे infections हो जाते हैं. इम्यूनिटी एक्टिव हो गई बहुत ज़्यादा तो एक्जिमा होना शुरू हो जाता है. तो सभी की जड़ एक ही है. आपका रेप्टिलियन ब्रेन, उसके ऊपर जो लिम्बिक ब्रेन है, इफ यू आर एबल टू कंट्रोल योर लिम्बिक ब्रेन मैक्सिमम थिंग्स कैन बी कंट्रोल्ड. दिमाग शांत जैसे ही करते हो आपका डायबिटीज रिवर्स हो सकता है. Because people like whenever like आप शायद आप भी सुजोक थेरेपी वगैरह करते हैं ना. हाँ जी. तो whatever we do, it is important that first your mind should be completely calm. वरना सुजोक थेरेपी भी सिर्फ सिम्टम पे काम कर रही है. उसका रूट कॉज जो यहाँ बैठा है इसको कौन निकालेगा? डायबिटीज आराम से निकल जाता है. सुजोक थेरेपी अगर आप रोज करते हो तो डायबिटीज 15-20 दिन में आपका शुगर एकदम जीरो आ जाएगा, मतलब कंट्रोल में आ जाएगा. पर जैसे ही आप बंद करोगे वापस चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टाइगर बैठा है उसका निकालेगा कौन? सो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट यू कंट्रोल योर माइंड. एंड द मोमेंट यू कंट्रोल योर माइंड मैक्सिमम 85% ऑफ द डिजीजेस कैन बी इजीली मैनेज. इजीली जिनको इसमें और ज़्यादा बढ़ना है, आई पुट इट इन द चैट बॉक्स. ये मूवी आप नेटफ्लिक्स पे देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्री है हील, दिस इज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स. इसको देख लो ज़रा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी. नेटफ्लिक्स पे बाकी के पिक्चर देखने से अच्छा है कि ये डॉक्यूमेंट्री एक बार देख लो. योर लाइफ विल चेंज. डॉक्टर्स ने भी देखनी चाहिए ये. It has been, it is documented by Dr. Bruce Lipton, Dr. M.D. Chopra, Deepak Chopra, और बाकी बहुत सारे उसमें दिग्गज लोग हैं. But this movie everyone should see. Hardly एक घंटे की movie है, but it will help you to understand how life changes. और किसी को कोई क्वेरी है? आई होप आई हैव लिव्ड अप टू योर एक्सपेक्टेशंस. एंड प्लीज ग्रुप को इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, यूट्यूब के चैनल को. एंड ट्राई टू इनवाइट योर फ्रेंड्स आल्सो टू सब्सक्राइब द चैनल. इट उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं किसी को. बट यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं, जो क्या बोलते हैं ओपन वीडियोस हैं, वो ओपन वीडियोस भी इतने फायदे के हैं दैट दे विल चेंज many people's lives.
सो ट्राई टू इनवाइट योर फ्रेंड्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, क्योंकि आने वाले दिनों में न्यूमरोलॉजी एंड उससे रिलेटेड टॉपिक्स पर, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं, स्पेशली हाउ योर नेम अफेक्ट्स योर हेल्थ, उस पर आने वाले दिनों में वीडियोस आएंगे, एंड हाउ टू वर्क ऑन द नेम न्यूमरोलॉजी, इस पर भी वीडियोस डालने वाला हूँ मैं. सो ट्राई टू इनवाइट योर फ्रेंड्स, विल हेल्प एवरीवन. सो आई होप आई हैव लिव्ड अप टू योर एक्सपेक्टेशंस. किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? सर अगर होगा तो आप ऑलवेज हमारे पास ही हो. वो तो हूँ मैं, जब तक मैं हूँ तब तक हूँ ही डेफिनेटली. और नहीं सर अभी कोई डाउट नहीं है. ओके, तो प्लीज एक बार अपना कैमरा भी ऑन कर दीजिए, लेट अस सी ईच अदर, कौन कैसे दिखता है. निशा मैडम सर, नेहा जी तो तैयार होके आई हैं. कहाँ है नेहा जी? हाँ यस 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 यस. ओ थैंक यू, एक्चुअली गेस्ट आए थे घर पर तो बस. ऐसे हमेशा तैयार रहना चाहिए इंसान. आज का भी वीडियो थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, सो दैट यू कैन गो थ्रू ऑल द वीडियोस एंड यूज इट फॉर योर बेनिफिट. एंड हाँ, क्योंकि कल से ये सारे वीडियो जो है, या आपने जो ईमेल आईडीज जीमेल के दिए हैं, उस जीमेल के आईडी से ही आप देख पाओगे. रीजन उसका ये भी है दैट ये मेरा पहला एक्सपीरियंस पहले बैचेस का रह चुका है, दैट इवन इफ द कोर्स फीस, एंड प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली,